आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को। सभी प्रश्नों को आसान वे में डिस्कस करेंगे, जिनसे सलूशन हमारा क्या होगा, आसान होगा। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है 8.2 का, इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए जो भी आपको प्रश्न है इनके आपको मान निकालने हैं। जैसे फर्स्ट दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 गुणे में कॉस 60, इसका आपको मान बताना है। दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले आप जो भी स्पेशल एंगल्स की जो वैल्यू आपको बताई गई है, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे कॉस के, ऐसे टैन के, कॉट के, सेक के, कॉसेक के, सबके आप मान जो है, वैल्यू जो है याद कर लें, क्योंकि 8.2 को प्रश्न 8.2 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें आपको इन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये आपको याद है तो आपकी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी, अगर ये नहीं याद तो इसका कोई तरीका है ही नहीं। याद करें तो उससे वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू अगर आप रखेंगे तभी आगे की प्रक्रिया आप कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न, वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों देखिए पहला है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू को रखते जाइए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो रूट 3/2, इंटू है तो इंटू लगा दिया, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, इसी का साइन 60 का अपोजिट कॉस 30, यहाँ पे उसी वैल्यू होती है तो रूट 3/2, प्लस का सिंबल तो हमने प्लस का लगा दिया। अब साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो जब दोस्तों रूट 3 का गुणा रूट 3 में होगा तो 3 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1/4, तो यहाँ पे 4 आपका एलसीएम 3 धन 1, और फिर इस हिसाब से ये आपका 4/4, और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। ये आपका हो गया आंसर पहले का, आपने वैल्यू निकाल लिया। अब सेम इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को भी आपको करना है, 2 tan² 45 अंश दिया है, तो 2 करिए, इंटू में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस में cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, अभी अभी निकाला हमने इसके पहले में, तो अब आपका इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 की भी वैल्यू रूट 3/2 होती है, और इसका आपको करना है स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इक्वल टू लगाना ना भूलें, 2 का गुणा 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 आएगा, धन 3/4 और माइनस में 3/4, 3/4 से 3/4 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, क्योंकि जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रूट 3 × √3 3 ही होता है, पहले के प्रश्नों में या पहले के अध्याय में आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं भी जानते तब भी जानिए, अगर स्क्वायर का गुणा स्क्वायर रूट का गुणा स्क्वायर रूट से के साथ, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है। अब देखते हैं इसके अगले पार्ट को, तीसरा पार्ट है आपका cos 45 अंश और बटे में sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। दोस्तों आप वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि इसके साथ ही आपको वीडियो के साथ में इन प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों जैसे कि इनके वैल्यू cos 45 की वैल्यू रखिए, जैसे अभी तक आपने रखा, तो cos 45 की वैल्यू दोस्तों होगी 1/√2, फिर बटे में आ जाइए sec 30। अब sec 30 का कैसे याद करें, तो ध्यान रहे हमने आपको बताया हुआ है कि साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। ऐसे ही आपको बताया गया कास का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। ऐसे ही टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, और कॉट का अपोजिट टैन। तो अब इसको बताने का भैया मतलब क्या है, तो हमको मतलब ये है, अगर sec 30 हमको पता करना है, अगर हमको cos 30 पता है और उसी का अपोजिट कर दें तो sec 30 हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर हम cos 30 अंश किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/sec 30 अंश के। आप इसको देखेंगे
अभी आप सिर्फ 30 को उल्टा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, cos 30 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से cos 30 को अगर उल्टा करते हैं तो sec 30 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब cos 30 की वैल्यू तो रूट 3/2 होता है। अब इसका अपोजिट करेंगे तो sec 30 मतलब 2/√3 आपको मिल जाएगा। अब प्लस इसी प्रकार से cos 30 तो आपको sin 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो cos 30 उसका उल्टा, तो यानी 1/2 का उल्टा 2/1, या जिसको हम 2 ही लिखेंगे। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/√2 ऊपर तो वही रहेगा और नीचे में, अब यहाँ पे रूट तीन आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 / √3 आपको मिल जाएगा। अब अगला स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 और गुणे में ये नीचे वाला जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 / √3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो √3 आपका आ जाएगा √3 और पूरे के बटे में आपका आ जाएगा √2 और गुणे में 2 / √3। फिर उसके बाद यहाँ पे √3 आपका हो जाएगा और √2 का गुणा कराएंगे आप तो 2 √2 और प्लस के साथ में, यहाँ पे तो 2 आएगा ही और रूट का गुणा रूट में हो जाएगा तो 3 × 6 आपका हो जाएगा। अब यहां पर भी अगर आपने आंसर छोड़ा तो आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं काटेगा। लेकिन अगर रूट हम देखते हैं तो उसको हम रेशनलाइज करके, रेशनलाइजेशन के माध्यम से रूट को हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब पूरा डिनोमिनेटर, जो अगर डिनोमिनेटर का कर रहे हैं तो बस सिंबल हम बदल करके उतने को ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे और उतने को ही डिनोमिनेटर में। तो जैसे अब इसका अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3/ हमारे पास 2 √2 प्लस में 2 √6 है। अब इसका रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का कर रहे हैं तो इसी का आप सिंबल बदल दीजिए, बाकी और आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। बस ध्यान रहे ऊपर भी कराएंगे नीचे भी कराएंगे, जिससे कि हमारे मान में कोई परिवर्तन ना आए, आपस में कर जाएंगे। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई हमको कराना है तो √3 का गुणा 2 √2 में होगा तो यहां से 2 √6 आपको मिल जाएगा। √2 का गुणा √3 में तो √6 और 2 का गुणा 1 में तो 2। माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और 6 × 3 यहाँ पे आ जाएगा 18। रूट वाले का गुणा रूट में ही हो जाएगा, ऊपर रूट लग जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये a प्लस बी है और इसके आगे वाला a माइनस बी है, तो ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे है 2 √2, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 2 √2 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 √2 गुणे में 2 √2। तो पहले 2 का गुणा 2 में, इस 2 का गुणा इस 2 में तो 4, और √2 का गुणा √2 में तो आता है 2, मतलब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। अब आता है माइनस 2 √6 × 2 √6, 2 √6 मतलब वही स्क्वायर 2 √6, 2 का गुणा 2 में तो 4 और √6 × √6 तो 6, तो मतलब यहाँ पे आपका आ गया 24, ये आपका हो गया 24। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 2 √6 − 2 √18, यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, या इसी के साथ में कुछ और भी कॉमन हो सकता है। देखिए हम यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं, पहले 2 कॉमन कर लेते हैं तो √6 − √18, फिर ये आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 16, वो भी माइनस के साथ में, तो 2 से कट जाएगा, 2 / 16 हो जाएगा। अब देखिए इसका काम है नहीं, इसको मिटा देते हैं। फिर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हुआ √6 − √18 / आपका −8। अब इस माइनस को कैसे हम लोग हटाएं, तो देखिए अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये √18 − √6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा। लेकिन अब भी आपके आंसर में थोड़ी सी क्या दे रहा होगा, अंतर दे रहा होगा।
इस रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, मतलब 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो अब एक कॉमन, एक पेयर मिल गया तो ये कॉमन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3√2 − √6/8। और यही आपका, अगर आप आंसर मिला के देखेंगे तो आपको आंसर यही मिलने वाला है इस तीसरे पार्ट का। तो आप देखेंगे किस प्रकार से हम आराम से, ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इसका चौथा पार्ट भी सेम इसी प्रकार का है, आप कर सकते हैं, हम करवाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे या वीडियो को पास करके आप खुद से करें, फिर अपना आंसर मिला रहे हैं। sin 30 + tan 45 − cos 60 / sec 30 + cos 60 + cot 45 °। दोस्तों वैल्यू को फिर से रखेंगे, देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस का सिंबल तो प्लस लगा दिया, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस कॉसेक 60, मतलब कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, क्योंकि उसी का अपोजिट होता है। सेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 का उल्टा, cos 30 होगा, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। हमने पहले साइन बोल दिया, वो गलती से हो गया, वो क्या होगा आपका, cos का उल्टा होता है sec, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होगी, और प्लस में cot 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, जितनी tan 45 की उतनी cot 45 की। अब देखिए दोस्तों इसी को हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2√3 आपका LCM हो जाएगा, और अब ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे √3 आपको मिल जाएगा, फिर उसके साथ में प्लस में 2√3 मिल जाएगा, और माइनस में √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा पूरे का भाई। देखिए यहाँ पर भी आपको 2√3 ही LCM मिलेगा, और ऊपर अब क्या आ जाएगा, तो √3 से √3 कटेगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा तो √3 आ जाएगा, और प्लस में 2√3 आपको मिल जाए। देखेंगे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जितना दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो वो आपस में कट जाएंगे। हमारे पास आया क्या, हमारे पास मिला है √3 + 2√3 − 4 और बटे में 4 + √3 + 2√3, ये हमारे पास बचा है। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 2√3 + 1√3 तो ये आपका हो जाएगा 3√3 − 4 बराबर, यहां पर भी वैसे 4 + 3√3 आपस में जुड़ गए। अब दोस्तों इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम फिर से यहाँ पे किसका रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर का, तो इसको ऐसे 3√3 − 4/4 + 3√3 इसका करने जा रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और यहाँ पे 4 − 3√3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, थोड़ा सा ये स्टेप ध्यान से करिएगा, 3 × 4 = यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12√3। अब इतने का मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 देखिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 3 × 3 होगा तो 9, और 9 का √3 √3 = 3 हो जाएगा, तो 9 का हम 3 में कराएंगे तो 27 मिलेगा। अब −4 यहाँ पे −16 हो जाएगा, प्लस −4 + 4 के साथ यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस हो जाएंगे, तो 4 × 3 = कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वो भी √3 साथ में लगा रहेगा। अब ऐसे नीचे, तो नीचे तो और भी आसान, क्योंकि a + b, a − b का फार्मूला, तो a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे ऊपर किया था, जो कि हमारा आया था 27। फिर उसके बाद आगे का स्टेप देखिए, हमारे पास 12√3 कितना हो जाएगा, 24√3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद −27 − 16, तो 6 और 7 हो जाएगा कितना, हमारे पास 13 हो जाएंगे, 1 कैरी 2 1 3 1 4,
वो भी किसके साथ में, माइनस के साथ में। ऊपर हो गया सॉल्व, नीचे इतने 27 में से 16 हमको घटाना है, तो 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, वो भी किसके साथ में, माइनस के साथ में। अब इसको क्या करें, हम माइनस यहाँ पे कॉमन कर लें, तो माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो ये 43 माइनस 24 रूट 3 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 11 माइनस के साथ, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इस केस में आपका आंसर 43 माइनस 24 रूट 3 अपान में 11, ये आपका आ गया आंसर। सेम तीसरे प्रश्न की तरह था। और दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको फायदा और भी पहुंच रहा होगा, जिससे आपको इनके वैल्यू को कैसे हम रख रहे हैं, कैसे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, सारी चीजों को आप सीख रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पांचवा पार्ट है 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस 10² 45° और बटे में है sin² 30° प्लस cos² 30°। वैल्यू को रखिए, तो देखिए 5 है तो हमने 5 लिखा, इनटू में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और है इसका स्क्वायर तो हमने लगा दिया स्क्वायर, प्लस 4 इनटू sec² 30° sec 30 मतलब cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसी का अपोजिट करेंगे तो sec 30 का बन जाएगा, मतलब ये आपको हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 10 45 डिग्री मतलब इसका 1 का स्क्वायर और अपान में साइन 30 का स्क्वायर है, तो हमको क्या करना है 1/2 इसकी वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस कॉस 30 इसका होता है √3/2, इसका स्क्वायर आपको कर देना है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 × 1/4 = 4 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4/3 - 1 बटे में 1/4 + 3/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा 1/4 में तो 5/4 और 4 × 16/3, तो इसका क्या हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 और माइनस में 1, फिर पूरे का बटा, तो ये आपका हो जाएगा 4 यहाँ पे एलसीएम, तो 1+3। ऊपर वाले का एलसीएम अगर हम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम हमको मिल जाएगा 12, 4 × 3 = 12, तो 4 × 3 = 3 बार में जाएगा तो यहाँ पे 15, प्लस 3 × 4 = 4 बार में जाएगा तो यहाँ 64, माइनस के साथ में 12, पूरे के बटे में 4/4। तो अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा यानी 1 आएगा, तो आपका ऊपर वाला वही सेम बचेगा। फिर देखिए 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, 64 में 3 जुड़ेगा तो 67 / 12 आपका यही क्या आ गया, यही आपका आंसर मिल गया। तो आपका पहला प्रश्न हो चुका है सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको आप आसानी से अब तो कर सकते हैं, वैल्यू को रखना है, जो आंसर आएगा उसको टिक करना है। आइए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहले आपको एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है, अब आपको बताना है कौन सा सही है और क्यों सही है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। तो देखिए पहला है 2 tan 30° बटे में 1 + 10² 30°, इसको सॉल्व करते हैं जैसे अभी करते थे, तो 2 tan 30° tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आपने यहाँ पे कर लिया, और 1 + 10² 30° है तो 1/√3 का इस बार आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/√3 और इक्वल टू यहाँ पे लगाते हैं बटे में 1 + 1/3 हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब ये 3 × 1 = 3 इधर चला जाएगा, 3 × 1 = 4, 4/3 हो जाएगा, तो ये कहने का मतलब हो जाएगा 2/3 और इनटू में 4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये आपका 2 है भाई, 2 आ गया। फिर उसके बाद आपको मिला 3/√3, ध्यान से देखेंगे कैसे आया, 3 × 1 = 3, 2 × √3 = 2√3।
अब इस इसमें सूत्र कहेंगे तो इसमें से आपका तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कैसे हम करेंगे? तो भाई चिंता ना करिए, हम रूट थ्री को हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब यही आपका हो जाएगा थ्री ही, और नीचे क्या है टू रूट थ्री, तो आप क्या करेंगे रूट थ्री से रूट थ्री आपका कट जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपसे रूट थ्री बाई टू। तो आप क्या बता सकते हैं रूट थ्री बाई टू किसकी वैल्यू है, तो रूट बाई थ्री इनमें से किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे रूट थ्री बाई टू होती है साइन साठ की या फिर कॉस तीस की, दोनों में से किसी एक की। तो कॉस तीस आपके ऑप्शन में है नहीं, साइन साठ आपके ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा आपने ये बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, दूसरे का जो दूसरा पार्ट है, वन माइनस टेन स्क्वायर पैतालीस अंश बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर पैतालीस अंश, वो भी स्क्वायर है। तो दोस्तों देखिए फिर से वैल्यू को रखेंगे तो वन माइनस टेन पैतालीस की वैल्यू वन इसका स्क्वायर, बटे में वन प्लस टेन पैतालीस अंश की वैल्यू वन इसका स्क्वायर। तो देखिए ये वन माइनस वन अपान में वन प्लस वन जो कि आपका जीरो बाई टू हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आता है दोस्तों जीरो आता है भाई, जीरो के ऊपर जीरो मैंने बड़ा गोला कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो बाई टू की वैल्यू जीरो मिलेगी। इसलिए आपका आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा पार्ट साइन टू ए, ये आपका टू है, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इज ट्रू व्हेन ए, यहीं तक प्रश्न है, आगे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि साइन टू ए कब साइन टू ए की वैल्यू टू साइन ए के बराबर होगी, कब, जीरो डिग्री पर, तीस डिग्री पर, पैंतालीस डिग्री पर, साठ अंश पर। तो दोस्तों पहला अगर हम जीरो रखेंगे तो ए की वैल्यू अगर हम जीरो डिग्री रखते हैं तो साइन टू ए मतलब ये हो जाएगा साइन जीरो, और दोस्तों टू साइन ए जो है यहां पर भी ए अगर हम रखते हैं तो ये आपका टू साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो तो ये पूरा जीरो, और इसकी जीरो की वैल्यू तो जीरो होती ही है, तभी तो बराबर होगा, अन्यथा अगर तीस रखेंगे तो ये तीस दूना साठ हो जाएगा, और ये तीस रखेंगे तो एक बटे दो मतलब इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। आपको समझाए कैसे मैं क्या कह रहा हूं, देखिए साइन टू ए अगर हम ए की वैल्यू को हम क्या रख रहे हैं तीस डिग्री में रख रहे हैं, तो यहां पर साइन टू ए मतलब दुई गड़े तीस यहाँ पे हो जाएगा, और साइन यहाँ पे आपका हो जाएगा साठ अंश, तो साइन साठ की वैल्यू यहाँ पे आपको रूट तीन बटे दो देखने को मिलेगी। अब ऐसे ही अगर दूसरा पार्ट इसका ले लें जो कि आपका क्या कह रहा है टू साइन ए, तो देखिए टू साइन ए है मतलब यहाँ पे टू साइन तीस अंश की बात कर रहा है, दो गुड़े साइन तीस की वैल्यू एक बटे दो, दो से दो कट जाएगा हो जाएगा एक। क्या एक और रूट तीन बटे दो आपस में बराबर है? कभी भी नहीं बराबर हो सकते, तो इसलिए ये जीरो ही, जीरो पर ही ये बात सत्य होगी, जीरो ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका चौथा पार्ट, इसका चौथा पार्ट दूसरे प्रश्न का अंतिम पार्ट, टू टेन तीस अंश बटे में माइनस वन, वन माइनस टेन स्क्वायर तीस अंश। तो देखिए पहलू को रखेंगे तो टू टेन टेन तीस अंश वन बाय रूट थ्री अपान में वन माइनस वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद देखेंगे टू बाई रूट थ्री हो जाएगा और बटे में वन माइनस वन बाई थ्री, तो थ्री इधर जाएगा कितना हो जाएगा थ्री माइनस वन यानी टू बाई थ्री हो जाएगा, तो ये टू बाई रूट थ्री यहाँ पे मिला टू बाई थ्री, ऊपर जाके थ्री बाई टू मिल जाएगा, टू से टू आपको कट जाएगा और यहाँ पे थ्री बाई रूट थ्री मिलेगा। अब फिर से वही ऑप्शन आपका आ जाएगा कि ये कैसे होगा, उत्तर कैसे मैच कराएं, कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है इन सभी में से, तो हम कैसे करें, रूट थ्री इसको हम लिखेंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री बटे में रूट थ्री, ये आपस में कट जाएंगे, आंसर हमारा मिला रूट थ्री, तो भैया रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, तो रूट थ्री होती है टेन साठ अंश की या कॉट तीस की, तो टेन साठ अंश ही है ऑप्शन में, कॉट तीस अंश है नहीं, दोनों में से एक ही रहेगा, नहीं तो ए एंड बी ऐसे करके बी एंड सी दोनों दिया जाएगा, तो टेन साठ आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर,
तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से हम ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आसानी से, अगर ऐसी कंडीशन आ जा रही है आंसर नहीं मैच करा रहा है तो हम किस प्रकार से करेंगे। इसमें जनरली एक ही स्टेप हमने सीखा, जैसे उसको 3 है तो उसको हमने किस में बदल दिया, √3 × √3 में, बाई में √3 था तो 1 कट हो गया। ऐसा कुछ प्रोसेस आपको देखने के लिए मिला होगा, एक नई जानकारी आपको मिली होगी। अब देखिए तीसरा प्रश्न भी मजेदार होने वाला है। दिया है इफ tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1/√3, और ये भी बताया है कि जो a plus b की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री के बराबर है या तो उससे छोटी है। फाइंड a एंड b। दोस्तों देखिए इसका प्रश्न जो आप अभी देख रहे होंगे कि कैसे रे राम कैसे सॉल्व होगा, तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। कैसे आसान होने वाला है दोस्तों, देखिए हमको दिया है tan a plus b equal to √3, तो हम इसको कर सकते हैं tan a plus b, √3 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, तो √3 आप कहेंगे tan 60 अंश की वैल्यू होती है। देखिए tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा तो हमको मिलेगा a plus b equal to 60 अंश। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरी चीज हमको क्या दी गई है, दूसरा हमको दिया है tan a minus b equal to 1/√3। तो देखिए tan a minus b, अब इसकी वैल्यू किसकी होती है तो कहेंगे tan 30 अंश की होती है, तो यहां से tan tan कट जाएगा तो a minus b equal to 30 अंश। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर हम 1 एंड 2 से अगर देखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर दें तो a plus b equal to 60 अंश और a minus b equal to 30 अंश, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ b से b कट जाएगा तो 2a equal to कितना आ जाएगा 90 अंश, a equal to आ जाएगा 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है तो किसी में भी 1 में भी रख सकते हैं, b में भी रख सकते हैं, तो हम 1 में ही रखते हैं बाई इक्वेशन 1। तो देखिए a plus b इक्वल टू 60 अंश है तो a की वैल्यू अगर 45 अंश रखेंगे तो ये आपका कितना होता जाएगा, ये आपका हो जाएगा b इक्वल टू 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15 अंश। तो a की वैल्यू 45 अंश, b की वैल्यू 15 अंश, दोनों को अगर आप जोड़ भी देंगे तब भी आपको कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा, जो कि दोनों के बीच में वैरी कर रहा है, ये जो आपको बताया गया। तो आंसर आपको मिला साधारण तरीके से, सिंपल वे में। अब इसका चौथा पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान देना होगा। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 8.2 के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है चौथा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, और साथ ही साथ आपको अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है, मतलब आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा पूछा गया है। जिसमें फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी के बराबर होगा, साइन बी के बराबर होगा, तो इसको कैसे चेक करें और कैसे हम अपना स्टेटमेंट दें। देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 60 डिग्री। अब मानेंगे ऐसा कुछ जिसकी वैल्यू आपको पता हो, अन्यथा नहीं आप ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम LHS को लेते हैं तो जो कि है हमारा साइन ए प्लस बी, इसका मतलब हुआ कि साइन ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू 30 प्लस 60 अंश, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 अंश, मतलब इसकी वैल्यू होती है 1। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू इस हिसाब से हमको मिल गई 1। अब देखते हैं इसके RHS पार्ट को, क्या इतना ही आ रहा है, अगर आ जाएगा तो बराबर होगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो नहीं। देखिए आपका है ये साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए की वैल्यू आप रखिए साइन 30 अंश और साइन बी की वैल्यू रखिए साइन 60 अंश। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की होती है √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + √3/2 आपको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि 2 आपका क्या है LCM कॉमन हो जाएगा। तो देखिए क्या 1 और ये दोनों अलग-अलग हैं कि बराबर हैं, तो आप कहेंगे दोनों
आपस में बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका फाल्स हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये थीटा है, इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब कह रहा है साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर थीटा को हम बढ़ाएं। थीटा का मतलब होगा यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे अगर आप साइन जीरो से स्टार्ट करते हैं तो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो, साइन तीस अंश की वैल्यू एक बटे दो, साइन पैतालीस अंश की वैल्यू एक बटे रूट दो, और साइन साठ अंश की वैल्यू रूट तीन बटे दो, और साइन नब्बे अंश की वैल्यू वन होती है, ये आपने याद किया है। तो दोस्तों देखिए जीरो से अगर हम नब्बे तक पहुंच रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, जीरो से भी वैल्यू वन तक आ गई, मतलब वैल्यू आपकी बढ़ रही है एंगल के साथ, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है भाई। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, आपने वैल्यू के माध्यम से जाना और देखा। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो इसमें भी वैल्यू को रख करके देखते हैं। देखिए कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, कॉस तीस अंश की वैल्यू होती है रूट तीन बटे दो, और कॉस पैतालीस अंश की वैल्यू होती है एक बटे रूट दो, और कॉस साठ अंश की वैल्यू होती है एक बटे दो, और कॉस नब्बे की वैल्यू होती है जीरो। तो दोस्तों देखेंगे आप जीरो से जीरो डिग्री पर वन था और नब्बे डिग्री पर जीरो हो गया, मतलब जैसे जैसे बढ़ा ये वन से जीरो हो गया, मतलब वैल्यू का मान कम हो जा रहा है, लेकिन इन्होंने इंक्रीज बोला कि थीटा का मान अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो कॉस थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा। क्या ऐसा कुछ है? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका अपोजिट मिल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फाल्स है। अब इसका थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इनका कहने का मतलब है अगर हम थीटा की वैल्यू सेम रखें तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान जो है सेम आने वाला है। तो हम चेक कर लेते हैं वैल्यू को रख करके। तो देखिए पहले जीरो पर रखते हैं, तो साइन लिख देते हैं पुट थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो इक्वल टू कॉस जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। तो क्या जीरो और वन बराबर है? तो बिल्कुल नहीं बराबर है, पहले ही ये आपका गलत हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फाल्स हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू जीरो, कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू जीरो रखे तो कॉट जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। तो कॉट जीरो की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये नॉट डिफाइंड ही होता है, जो कि टेन नब्बे भी नॉट डिफाइंड होता है, वही कॉट जीरो का भी वैल्यू बन जाता है। तो दोस्तों आप ये आपका इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों आपका 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से, जिसमें हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया ट्रिक के माध्यम से, और किस प्रकार से हम फार्मूलों को याद रखें ये भी जाना। दोस्तों कोई भी आपके सुझाव हैं, कोई भी सजेशंस हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट में हमको जरूर बताएं। आप सभी के कमेंट्स और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों मिलते हैं वीडियो नंबर नेक्स्ट जो हमारा होगा एक्सरसाइज 8.3 के साथ, या अगर कुछ फार्मूलों की आवश्यकता होती है, वैसे हमने फार्मूलों का पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो सभी फार्मूले उसमें आ चुके हैं, जो भी आपको पढ़ना है जितने की आपकी आवश्यकता है। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, आपके जो भी साथी मित्र हो अगर उनको आवश्यकता हो तो शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।